लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सुप्रीमो एवं पूर्व सांसद कुरुक्षेत्र से राजकुमार सैनी पर आया धमकी भरा फोन, कहा या तो गोहाना छोड़ दें नहीं तो जिंदा नहीं बचेंगे, गोलियों से भून देंगे। पूर्व सांसद सैनी ने तुरंत डीजीपी हरियाणा एवं एसपी मैडम सोनीपत को दी सूचना। पूर्व सांसद सैनी ने अपने आप को असुरक्षित बताया। एक लड़का हमारा कसंडी गांव का इलेक्शन एजेंट था, उसकी पिटाई की बुरी तरह से। अभी वो भगत फूल सिंह खानपुर यूनिवर्सिटी में पीजीआई के अंदर वो अभी एडमिट है। और अभी अभी एक घंटा पहले यहाँ पर जो हमारे कार्यकर्ता थे उसके घर पे लड़ियाँ लगी हुई थी, उनकी पिटाई करी गई बुरी तरह से। लड़के मोटरसाइकिल पे है और पिटाई कर गए। और चार दिन पहले जब चुनाव का प्रचार जोरों पे था, मेरा रास्ता रुकिया 2.5 घंटे तक, और उसी तरह से रास्ता रोकने से पहले एक प्रोग्राम था खेड़ी दमकंड में, वहाँ जो है ना दो बच्चे की बाजुआ तोड़ दी गई कि आप राजकुमार सैनी का प्रोग्राम नहीं कराएंगे। इतनी क्रूरता मैंने किसी लोगों की मैंने देखी नहीं होगी, जितनी अंदर खाते क्रूरता भरी पड़ी है। ये मुझे नहीं पता कि मैं किसी बाहरले दूसरे मुल्क में हूँ या अपनी स्टेट में हूँ। गुंडागर्दी करने वाले लोग सर पे चढ़ करके बोलते हैं और प्रशासन के पास जितने भी कंप्लेंटे हैं उन पर तो एक्शन होता नहीं। एक व्यक्ति के ऊपर जगवीर मलिक 2 घंटे तक बूथों के अंदर घंटा घंटा बैठा रहता है और टॉर्चर करता है उनको कि वोटिंग ना हो, लोग सामने ना आए, कि वोटिंग हट जाए। इस प्रकार से पूरे किसी गांव का दौरा ना करके जगवीर मलिक ने पूरे बूथों को डिस्टर्ब किया और एक व्यक्ति से जो बीएलओ था उसके साथ बदतमीजी की, उसे अंदर करने की धमकियां दी गई। एडीसी साहब से आरओ से बात हुई और आरओ की भी वो रिकॉर्डिंग ले रहा है कि हम तेरे को 2 घंटे में अंदर बंद करा देंगे और अभी सबक सिखाते हैं। क्या प्रशासन शासन के लोग और क्या सरकार के पहले एक्स एमपी एमएलए ये बाकी के लोगों को गुलाम समझ करके उन्हें हताश करने में लगे हैं या गुलाम बनाना चाहते हैं? मेरी प्रशासन में इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए जहां पर जातिवाद के नाम पर लोग जहर घोलें और आरोप राजकुमार सैनी पे लगाएं। मैं अपील करता हूं डीजीपी हरियाणा से और मौजूदा एसपी साहबान से कि आप इन लोगों के खिलाफ एक्शन लें, अन्यथा मैं समझूंगा कि कहीं ना कहीं हमारी भी इस बात में शेह है। तो मुझे तो तभी पता लगेगा कि आप इंसाफ पसंद हैं, अन्यथा मैं ये समझूंगा कि सभी जहाँ शासन में बैठे हैं कोई प्रशासन में बैठे हैं और जहाँ कोई जनता में एक समाज के लोग नफरत फैलाने में, हमारे लोगों को थ्रेट करके धमकाने में और उनका इस्तेमाल करने में कहीं ना कहीं आतुर रहे हैं, जो कि इस समाज इस भारतवर्ष के लोकतंत्र की हत्या है। सैनी साहब, जिस तरह आप कह रहे धमकी मिली है अभी आपको फोन पे, क्या धमकी में उसको जान से मारने धमकी या कुछ और? जान से मारने की धमकी। अब मैं गाड़ी तो दे नहीं सकता जो उसने गाड़ी दी है और उसके बाद कहा कि या तो छोड़ के चला जाए यहाँ से अन्यथा तेरे को खत्म कर दे। तो किस नंबर से आई धमकी कुछ पता कराया? ये नंबर है 8307257891 और मेरा नंबर है जिस पर धमकी आई 9729001457, इस नंबर पर धमकी आई। अभी आधा घंटा एक घंटा पहले ये इस तरह का क्रूर लहजा था जैसे मानो अभी स्टेन गन लेके खड़े आके अभी बोल दूंगा। तो आपने इसकी रिटर्न में कंप्लेंट दी? अभी मैंने टेलीफोन से एसपी मैडम उनको सबको दी, रिटर्न में कंप्लेंट जो है ना अब मैंने उनको दी थी, इसका वो पता करेंगे जब वो वेरीफाई कर लेंगे। अर्थ प्रकाश के लिए सोनीपत से आदेश त्यागी की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।